आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिफरेंट तरह के जो पेपर्स होते हैं ना, जैसे A4 पेपर हो गया उसका साइज क्या होता है, A3 पेपर हो गया उसका साइज क्या होता है। ये समस्या कभी ना कभी हर किसी के सामने आती है, मेरे सामने भी आई थी। कभी A3 का साइज हमें पता लगाना पड़ गया हो और हमारे पास मोबाइल ना हो, इसके लिए पूरी सीरीज होती है A0 से लेके A1, A2, A3, A4 अप टू A10 तक। आपको केवल और केवल कोई एक वैल्यू पता होनी चाहिए, जो A0 साइज है ये आपको पता हो, 1189 × 841, यानी ये भी mm स्क्वायर हो जाएगा ना। अब अगर आपको कहा जाए कि A1 पेपर का साइज निकालिए, A1 के लिए जो भी इन दोनों में बड़ी है वैल्यू, ये वाली बड़ी है इसको हाफ कर दीजिए, तो 841 तो ऐसी रहेगा, 1188 मान लीजिए, 594। अब A2 जो पेपर होता है 594 तो ऐसे लिख लीजिए, और 840 का हाफ होता है 420। A3 पेपर का 420 को ऐसे लिख लीजिए, 297। A4 297 ऐसे लिख लेते हैं, इसको आधा करें तो 210 आएगा। हम कितना भी साइज निकाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।